सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो एबीपी सांझा ते मैं तुहाडे नाल अमनदीप सिंह। डेरा प्रेमी प्रदीप दे कतल मामले च छेवां शूटर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले दे विच छेवें शूटर राज हुड्डा दी पैड़ नप रही पंजाब पुलिस जयपुर पहुंची, जिथे मुठभेड़ राज हुड्डा ते पुलिस दे विचाले हुई ते मुकाबले दौरान पुलिस दी गोली दा शिकार राज हुड्डा होया है ते इस मुलजम दे पैर दे विच गोली लगी है, जिस तों बाद पुलिस ने इस नूं गिरफ्तार कर लिया है ते फिलहाल जयपुर के हस्पताल दे विच ए दाखल है। पर इस मामले दे विच जिथे दिल्ली पुलिस ने भी एक्शन लिया, उथे ही पंजाब पुलिस ने आखिरी शूटर गिरफ्तार कर लिया है। डेरा प्रेमी प्रदीप के कतल की वारदात को अंजाम देने बाद पुलिस को चकमा दे के शूटर राज हुड्डा इसे घर च लुकया। हालांकि राज हुड्डा की चलाकी ज्यादा दिन रस न आई। पंजाब तो राज हुड्डा की पैड़ नपदी पंजाब पुलिस ने जयपुर तो उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के नाल मुठभेड़ राज हुड्डा के भी पैर च गोली लगी है। शूटर राज हुड्डा को गिरफ्तार कर जयपुर पहुंचिया पुलिस दी टीमां ते हुड्डा ने फायरिंग कर दिती, जिस तो बाद मुकाबले च राज हुड्डा जख्मी होया सी, जिसनों हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। यह छेवां ते आखिरी शूटर सी जो हुण तक पुलिस दी गिरफ्त चों फरार सी। इस गिरफ्तारी दे नाल इस मामले च सारे शूटर फड़े जा चुके ने। इस तो पहला तीन शूटरां नूं दिल्ली पुलिस ने पटियाला तो पहला ही फड़ लिया सी अते दो होर शूटर हुशियारपुर तो फड़े गए सन। प्रदीप सिंह दी टारगेटेड किलिंग दे विच अज पंजाब पुलिस नूं एक वड्डी सफलता मिली, जदों कि पंजाब एजीटीएफ दी टीम ने जयपुर तो सिक्स शूटर रमजान खान उर्फ राज हुड्डा नूं गिरफ्तार किया। इस टारगेटेड किलिंग दा सूत्रधार नॉर्थ अमेरिका बेस्ड गोल्डी बराड़ है, जिसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है ते उन्हों शीघ्र ही पंजाब ले आया जाऊगा। दिस ऑपरेशन वॉज कंप्लीटेड विद द कंप्लीट सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम सेंट्रल एजेंसीज एंड राजस्थान पुलिस। हाल के विच ही पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने रिव्यू मीटिंग करके लॉ एंड ऑर्डर का गेम प्लैन बनाया है, जिस नूं अमल विच लियांदे हुए पंजाब पुलिस पंजाब नूं बहुत छेती क्राइम फ्री ते ड्रग्स फ्री कर दूगी। राज हुड्डा की गिरफ्तारी ते डेरा प्रेमी दे परिवार का बयान आया है। शूटरों खिलाफ सख्त कार्रवाई की परिवार ने मांग की है। गल अजे पुलिस कुछ कर रही है तो पर इनकाउंटर करना साडा घर जिहड़ा उजड़ गया तो नहीं ना वापस आ सकता। कुछ एक सच्चे सुचे इंसान की इस तरह हत्या की है, कोई सानू इंसाफ साडू तो कुछ नहीं ना मिल रहा। चलो पुलिस कर रही है ठीक है, जेडे मुजरम आ सराखां दे पिछे जान जां उन्हां नूं बंदी सज़ा दित्ती जावे। साडा घर उजड़ गया, सानूं तां इह पता वी एक सच्चा सुच्चा इंसान जिहदे मत्थे ते बेअदबी वर्गा कलंक मढ़ता। जलंधर फरीदकोट अते हुशियारपुर पुलिस दे सांझे ऑपरेशन दौरान पुलिस ने शूटरां नूं हथियार अते पनाह देण दे इल्जामां हेठ एक होर शख्स नूं काबू कीता सी। 10 नवंबर नूं दिन दिहाड़े डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार दा गोलियां मार के कतल कीता गया सी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी दे विच कैद हुई, जिस दे विच दिखाई दिता कि तीन मोटरसाइकिल ते सवार होके आए छे शूटरां ने किस तरीके दे नाल सरेआम दिन दिहाड़े गोलियां मार के प्रदीप की हत्या कर दी सी। कुल छे शूटरां ने इस वारदात नूं अंजाम दिता सी। तीन शूटर दिल्ली की क्राइम सैल ने फड़े। कतलकांड के अगले ही दिन गिरफ्तारी हुई सी। पटियाला के बख्शीवाला तो तीन शूटर फड़े गए सन। एक शूटर की पछाण जतिंदर दे वजो हुई। जतिंदर रोहतक के कलानौर का रहन वाला सी। नाबालिग शूटर रोहतक अते भवानी के रहन वाले ने। मनप्रीत मणि की हुशियारपुर तो गिरफ्तारी हुई। भुपिंदर गोल्डी की हुशियारपुर तो गिरफ्तारी हुई सी। चार शूटर हरियाणा अते दो शूटर पंजाब के सन। तीन शूटर पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किए सन। कैनेडा बैठे गोल्डी बराड़ ने इस कतल की जिम्मेवारी ली सी। बेअदबी का बदला लैण दे लई इस वारदात को अंजाम दिता गया, क्योंकि डेरा प्रेमी प्रदीप बेअदबी के दो केसों च नामजद सी। बरगाड़ी बेअदबी के नाल जुड़े दो केसों च नामजद सी। FIR नंबर 63 अते FIR नंबर 128 च नामजद। प्रदीप नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 100 पन्ने खिंडाउण की जिम्मेवारी मिली सी। प्रदीप ने कोटकपुरा की हरिनो रोड के पन्ने खिंडाउणे सन।
कोटकपुरा चौंक ते लगे धरने कारण प्रदीप डर गया सी। प्रदीप ने पावन स्वरूप के पन्ने बामण वाला पिंड की नहर च वहा दिते सन। प्रदीप नूं इह काम डेरा प्रेमी महेंद्रपाल बिट्टू ने सौंपिया सी। इस पूरे मामले च तमाम गिरफ्तारियां दिल्ली अते पंजाब पुलिस दे वल्लों कीतियां गईयां ने। हरिंदर रिंदा की मौत हो गई है या फिर जिंदा है, इस नूं लैके सोशल मीडिया के उत्ते पोस्टर वार शुरू हो चुकी है। ब्रेक तो बाद पूरी खबर। पाकिस्तान च मौजूद हरविंदर रिंदा की मौत की खबर से पोस्टर वार शुरू हो चुकी है। कुछ पोस्टा के जिक्र किया गया कि रिंदा जिंदा है तो कुछ दे रिंदा की मौत की जिम्मेवारी चुकी गई है। फिलहाल खबर जी सामने आई सी, दावा किया गया सी कि पाकिस्तान के मौजूद हरविंदर रिंदा की मौत हो चुकी है तो वजह ओवरडोज दसया गया। दहशतगर्द हरविंदर रिंदा की मौत की खबर से पोस्टर वार शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया से कई पोस्टा हरविंदर रिंदा की मौत की खबर को झूठा साबित कर रही ने ते कुछ च हरविंदर रिंदा के कतल की जिम्मेवारी ली जा रही है। सब तो पहली पोस्ट रिंदा संधु नाँ के फेसबुक अकाउंट तो है जिस च रिंदा के जिंदा होने का जिक्र किया गया है। पोस्ट मुताबिक तो रिंदा खुद अपने जिंदा होने की खबर दे रहा है जिस च लिखा गया, मैं चढ़ती कला च हाँ ते मैं बहुत टाइम तो पोस्ट नहीं पाई। जो AGTF ते दिल्ली स्पेशल सैल ने मेरा नाम गोल्डी बराड़ दे नाल जुड़िया सी। मेरा गोल्डी बराड़ दे नाल एवें दा कोई संबंध नहीं है। मैं प्रशासन नूं बेनती करता हाँ कि मेरा नाम किसी बंदे दे नाल ना जुड़िया जाए। तो इस तरह ही हरविंदर रिंदा के जिंदा होने का पक्ष पूर्दी एक पोस्ट भी सोशल मीडिया से छाई हुई है जो हरीके लांडा के फेसबुक अकाउंट तो पोस्ट की गई है जिस दे विच भी जिक्र रिंदा के जिंदा होने का है। मैं पोस्ट पा रहा हाँ दसन वास्ते कि वड्डा भरा रिंदा संधु चढ़ती कला च है तो चढ़ती कला दे विच ही रहेगा। तो उधर हरविंदर रिंदा के कतल की जिम्मेवारी लेंदी एक पोस्ट भी सामने आई है जो जसप्रीत जस्सी नाँ के फेसबुक अकाउंट तो साझी की गई है जिस दे विच लिखा गया है, जो पाकिस्तान च हरविंदर रिंदा का कतल होया वो काम असी करवाया है। रिंदा नू साढ़े वीरां ने ही पाकिस्तान च सैट किया सी ते फिर ये साढ़े विरोधी ग्रुपां नाल रल के चिट्टे का काम करन लग पिया ते साढ़े बंदियां का नुकसान कर रहा सी। मूसेवाला दे कतल दे लई इसने ही गोल्डी बराड़ नू हथियार दिते सी जिसका खामियाजा इस नू भुगतना पिया। हालांकि शनिवार नू हरविंदर रिंदा की मौत की खबर नशर हुई सी जिस तों बाद ये चर्चावां उठियां सन। तो हुण तुहानूं दसदे आं कि किवें रिंदा दहशतगर्द बनिया। हरविंदर रिंदा पंजाब दे तरन तारण दे नाल संबंधित है। गैंगस्टर तो दहशतगर्द बनिया, कई साल पहला पंजाब तो नासिक गया सी। नासिक च गैंगस्टरां तो कतल लुट करवाउंदा सी। ISI दा पिट्ठू बन के लाहौर च रह रहा सी। ISI रिंदा नू दहशतगर्दी दे लई वरतदी सी। रिंदा ते भारत दे विच 20 तो वध मुकदमे दर्ज ने। बॉर्डर पार तो ड्रोन राही हथियार भेजदा सी। लुधियाना कोट बंब ब्लास्ट च वॉन्टड सी। मोहाली RPG अटैक च वॉन्टड सी। करनाल RDX बरामदगी का साजिश करता रिंदा रहा। गैंगस्टरां दे नाल मिल के वारदात करदा सी। चंडीगढ़ ते पंजाब च गैंगस्टर रहा। कतल फिरौती लुट दे कई केस रिंदा ते ने। चंडीगढ़ दी पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच फायरिंग कीती सी। रिंदा दी महिला मित्र भी लाहौर चली गई सी। रिंदा लंबे वेले तो भारतीय एजेंसी दे लई सरदर्दी बनिया होया सी। ISI दे इशारे ते पंजाब अते भारत दे विच कई वारदातां नूं अंजाम दे चुके है। पंजाब च किसान धरने ते डटे हुए ने, धरने दे कारण लोग परेशान हो रहे ने। ब्रेक तो बाद पूरी खबर। पंजाब च किसानां दा धरना 6वें दिन भी जारी रहा। 6 थावां दे उत्ते किसानां दा चक्का जाम रहा जिस कारण लोकां नूं परेशानी दा सामना करना पिया। बहुत सारे लोग किसानां नूं इस लई जिम्मेवार दस रहे सन ते परेशान हो रहे सन। हालांकि किसानां दे निशाने ते सूबे दी मान सरकार है।
पंजाब ते केंद्र सरकार खिलाफ किसान धरने ते डटे हुए ने, जिस कारण लोग परेशान ने। सड़कां ते आ जा रहे राहगीरां नूं परेशानी हो रही है, क्योंकि किसानां दा चक्का जाम पंजवें दिन भी जारी रहा। तो उधर किसान सारियां मंगां मनवा के ही उठण दा ऐलान कर चुके ने। मरण वरते बैठे किसान लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मुड़ पंजाब सरकार ते निशाना साधिया। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ते मुख्यमंत्री भगवंत मान दा जिक्र करदिआं डल्लेवाल ने कहा, सरकार पैर पैर ते झूठ बोल रही है। तू साढ़े धरने की लाने आया सी? कहदे वास्ते बैठा सी? असी सड़क ते बैठे सी, उस वेले कहदे वास्ते बैठे सी? केवल राजनीति करन वास्ते, केवल लोगों का दिल जित के आ सदा ते आउण वास्ते। तो जे सदा जा गए तो तुसी अज लोगों नूं मतलब खाण पैंदे हो। दूजी गल हुण मुख्यमंत्री जी वल्लों इहो जिहियां गल्लां करनियां कि असी झूठ बोली जाणा, प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच झूठ बोल रहा है। कहिंदा असी मिलां दा पैसा, गन्ने दा पैसा सारा देता। जो किसी तेरे वर्गे पत्रकार ने सवाल कर लिया फिर मन गया, कहिंदा जी फगवाड़ा मिलता भी रहिंदा ते धूरी मिलता भी रहिंदा। एक नहीं होर सैकड़े झूठ ने, मैं किन्ने झूठ गिनावा उन्हां दे। सीएम वालों डीसी अते सरकार दे मंत्रियों दे घराओ करन दे बयान ते जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पलटवार किया। असी तुसी क्या भी डीसियां दे दफ्तरां दा घराओ कर लो? यार असी 8 महीने तो डीसियां दे दफ्तरां विच ही बह के वेख्या है, उत्थों ही आ इत्थे आए हैं। तो जे तेरी तेरी जिम्मेवारी बनती सी कि तू भाई 8 महीनों के जोड़े लोग धरनों से बैठे उन्होंने गल सुन दे, नहीं सुनी ता ही इतने आए हैं। फिर तुम क्या भी साढ़े MLA कि दसो, साढ़े मंत्रियों के घर घेर लो। तो जिदे तेरे मंत्रियों के घर बनी, जोड़े लोग गए, चलो असी तो अजे नहीं गए, असी मान लें भी साड़ी गलती, असी नहीं गए। पर तू मैंने एक गल का दसे सरकार भी जेड़े गए उन्होंने सिर किमें पाड़े, उन्होंने लत्तां किमें तोड़ियां इन्होंने। उधर मुकेरियां च भी शूगर मिल के बाहर किसानों का धरना पंजवें दिन जारी रहा। किसानों ने इल्जाम लाए ने कि सरकार मंगा मन के मुकरी है। जो कारपोरेट घराने बन जाए उदो ये विचार दिंदिया ने, जो सरकार के सतह के भगवंत सिंह मान जिहड़े आ वो पंजाब के सीएम नहीं सी, वो विचार जिहड़े इन्हां दे तां जिहड़े हुण सीएम बनन तों बाद दिते जा रहे उन्हां दे विच बहुत फर्क है। जिहड़े नोटिफिकेशन इन्हां ने चोण मैनीफेस्टो जिहड़े दे विच अपणियां गल्लां कहियां सीगियां वह भी गल्लां लागू करन तों ये सीधे दे सीधे तौर ते जिहड़े आ वह मुकर रहे हैं। इस गल करके मैनूं लगदा वी एक पबलिक दे राजे नूं इहो जिहा झूठ जिहड़ा वह नहीं बोलना चाहिए। उधर मानसा च भी किसान धरने ते डटे हुए ने। पहला सानू 20-25 दिन हो गए डीसी दी दफ्तर मूहरे बैठिया नू, उत्थे साडी कोई सरकार ने ना जां किसे विधायक ने साडी कोई गल नहीं सुनी। हुण असी जो साडी कोई गल नहीं सुनी तां हुण असी तंग आ के 3 कौणी दे उत्ते रोड जाम कीता वा। ये रोड जाम असी इस लई कीता है भी जो साडा सरकारां वादे करके साडे नाल मुकरदियां साडी कोई गल नहीं सुन रहियां, ते तां करके असी ये रोड जाम कीता। जिन्ना चिर सरकार साडे वादे पूरे नहीं करदी भगवंत मान, तो उन्ना चिर असी ये रोड नहीं छड्डांगे, होर भी संघर्ष एदू ज़्यादा तेज़ करांगे। किसानां वल्लों कीते चक्के जाम कारण लोग बेहद परेशान ने। घरां तों जरूरी कम्मां दे लई निकले लोग देरी नाल मंजिल ते पहुँच रहे ने। ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੜ੍ਹਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਸੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ। ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਘੰਟੇ, 4-4 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ 4-4 ਘੰਟੇ ਜਾਮ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਕੇਰੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਤੜਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦੀਨ ਕਰ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਿਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਦੀਨ ਹੋਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਧਰਨੇ? ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਧਰਨਾ, ਇਹ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਦੀਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਚੱਕ ਲਏ, ਕਦੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਤੱਕਰ ਬਦੀਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ। किसानों दी मुख मंगा की ने, जिन्हां करके किसानों नूं सड़कां ते आउणा पिया, यह भी जान लो। जुमला मुश्तरका जमीना ते काश्त करन वालियां दे लई मालकी हक। गुलाबी सुंडी नाल खराब हुई फसल का मुआवजा मंगया गया है। बेमौसमी मीह कारण नुकसानी फसल का भी मुआवजा मंगया गया है। किसानों ते दर्ज तमाम परचे रद्द करन दी मंग कीती गई है।
इस तो अलावा लंपी स्किन कारण पशुओं के हुए नुकसान के मुआवजे की भी मांग की गई है। जम्मू कटड़ा हाईवे बंद करना ज योग मुआवजा मंगया गया है। झोने की सीधी बिजाई करने वाले किसानों मुआवजे की मांग की गई है। दिल्ली अंदोलन च शहीद हुए किसानों के लिए मुआवजा मंगया गया। पंजाब च किसानों ने 6 थावां ते रोड जाम किए जिन्हां च राजपुरा पटियाला रोड से धरेड़ी जट्टा टोल प्लाजा फरीदकोट टैणा टी पॉइंट श्री अमृतसर साहिब च कथू नंगल टोल प्लाजा तीन कोनिया पुल मानसा मुकेरियां आते तलवंडी साबो जिथे पंजाब सरकार ते किसान वरे उथे केंद्र सरकार की कहनी ते कथनी च फर्क होण दे इल्जाम लाए ने। आम आदमी पार्टी ने भी चोणां तो पहलां अते बाद च वादा कीता सी कि पंजाब नूं धरना मुक्त बनाया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान भी यह गल कई बार कह चुके ने पर वादियां तो उल्ट हकीकत कोहां दूर है। किसान अज भी धरनियां ते डटे हुए ने ते हुण निशाने ते है सूबे दी मान सरकार। कोटकपुरा फायरिंग मामले दे विच साबका डीजीपी सुमेत सैणी नूं समन जारी किया गया है। ब्रेक तो बाद पूरी खबर। कोटकपुरा पुलिस फायरिंग मामले च साबका डीजीपी सुमेत सैणी नूं एसआईटी ने समन किया है। 29 नवंबर नूं 2 बजे सुमेत सैणी एसआईटी सामने पेश होणगे। हालांकि जदों 2015 दे विच कोटकपुरा च फायरिंग कांड वापरदा है तां उस वक्त पंजाब दे डीजीपी सुमेत सैणी सन। कोटकपुरा पुलिस फायरिंग मामले च एसआईटी ने साबका डीजीपी सुमेत सैणी नूं समन किया है। 29 नवंबर नूं सुमेत सैणी तो एसआईटी दे वल्लों पुछगिछ की जानी है। पंजाब पुलिस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ के सैक्टर 32 च दोपहर 2 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। नवी एसआईटी दे वल्लों साल 2015 च हुई फायरिंग मामले च जांच की जा रही है कि आखिरकार उस समय गोली चलाउण दे हुक्म किसने दिते। इस मामले च एसआईटी दे वल्लों अक्तूबर नूं उस समय के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल तो पुछगिछ की गई सी। करीब 5.5 घंटे एल के यादव की अगवाई वाली एसआईटी ने सुखबीर अगे सवालों की बुछाड़ लाई। सवाल जवाब तो बाद सुखबीर बादल बाहर आए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरिया। इल्जाम लाए सन कि स्कैंडल च घिरी सरकार ध्यान भटकाउण की कोशिश कर रही है। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 14 अक्तूबर 2015 च कोटकपुरा गोलीकांड होया सी। बेअदबी दे इंसाफ दे लई कोटकपुरा चौंक ते प्रदर्शन हो रहा सी। पुलिस दे वल्लों प्रदर्शनकारियां ते फायरिंग की गई सी। 14 अक्तूबर 2015 अते 7 अगस्त 2018 नूं दर्ज FIR हुईयां। गोलीकांड वेले प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री अते सुखबीर बादल उप मुख्यमंत्री सन। कांग्रेस सरकार वेले 2018 च प्रबोध कुमार की SIT ने जांच की। तत्काली IPS ऑफिसर कुंवर विजय प्रताप सिंह SIT के मैंबर सन। नवंबर 2018 च पहली SIT ने सुखबीर बादल तो पुछगिछ की। प्रकाश सिंह बादल और अक्षय कुमार तो भी सवाल जवाब हुए सन। मई 2019 च SIT ने फरीदकोट अदालत दे विच चार्जशीट फाइल की। 9 अप्रैल 2021 हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट खारिज की थी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नवी SIT बनाने के हुक्म दिते सन। 7 मई 2021 नूं ADGP LK यादव की अगवाई च टीम बनी। नवी SIT अगे तत्काली DGP सुमेत सैणी 2 बार पेश हो चुके ने। साबका DGP तो 3 अगस्त नूं 4 घंटे पुछगिछ हुई।
नवी एस आई टी ने जून 2021 च सुखबीर सिंह बादल तो सवाल जवाब किए। 22 जून 2021 प्रकाश सिंह बादल तो 2.5 घंटे पुछगिछ हुई सी। तत्काली एम एल ए मनतार बराड़ ते परमराज उमरा नंगल एस आई टी सामने भी पेश हो चुके हैं। बेअदबी बहबल कलां गोलीकांड अते कोटकपुरा गोलीकांड ये तिने मामले साल 2015 दे ने 7 साल हो चुके ने। दो बार सत्ता बदल चुकी है। इस दौरान वादे खूब होए सियासत खूब हुई पर अजे तक इंसाफ नहीं मिले। फिलहाल दे लई बस इन्ना ही। इस दे नाल ही देश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर दे लई तुसीं देखदे रहो ए बी पी सांझा।